धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। कैसी हो दीदी? गुड यार। धीरे धीरे रंग उतरेंगे गहरे, तेरे चेहरे। तितली इस मंगलवार से रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अच्छा हुआ तमिलों को आ भी गया, अगर राशि दिकरा की जीवन कहानी देखने चुकी जाते तो बहुत पछतावा होता। ये फई भी ना कितनी मौका परस्त है, जब मैं मॉडल थी तो मेरे पीछे भागती थी, लेकिन अब देखो। अरे लो लो बता नाश तो लो। अरे लो लो ने कुछ कभी नहीं है, भंडार भरा है ले। किंजल शरबत। अरे उर्मिला बहन नाश्ता पानी तो ठीक है, पर राशि टीवी पर कब आएगी? अभी शाम को 7 बजे। पता नहीं ये 7 कब बजेंगे। राशि पहले तुम दूध पियो। हाँ अब जिगर के पापा वो हम सब राशि और जिगर के कमरे में जा रहे हैं तो आप भी चलिए। उस कमरे में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हो जाएगी? दरअसल मोटा भाई राशि की यही इच्छा है कि परिवार के सारे सदस्य एक साथ मिलकर राशि का टीवी का कार्यक्रम देखें। और जब उसका इतना मन है तो हम सबको जाना चाहिए ना। ठीक चलो। अरे आइए ना पापा, काकी आइए। राशि तुम बैठो। आशु राशि अभी तुम्हारे कार्यक्रम को आने में 10 मिनट है, पहले ये दूध पी लो। देखो डॉक्टर ने कहा है शरीर में ताकत और शक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। मोटा भाई अहम के पापा बैठिए। गोपी बहू यहां बैठ आओ। मेरा उनका बैटरी बिल्कुल चार्ज नहीं, चार्ज पे लगा दे। जिगर जी लेकिन मेरा फोन वहाँ मैंने चार्जिंग पे रखा है, उसे निकालिएगा नहीं। क्या हुआ राशि, अब इस वक्त फोन चार्ज करने की क्या जरूरत है, बाद में कर लेना। वो मुझे टीवी पे देखने के बाद लोग मुझे फोन भी तो करेंगे ना। भाई किचन में शरबत नहीं है, सारा खत्म हो गया। ऐसे कैसे? मुझे क्या मालूम, वैसे भी इस घर में शरबत सिर्फ आप पीती। फई कोई बात नहीं, मैं दुकान से मंगवा लेता हूँ। धवल क्यों कह रहे थे ये घर का फोन मत उठा। क्यों? एक कार्यक्रम के बाद यहाँ फोन आने शुरू हो जाएंगे। अरे फई कम से कम कार्यक्रम शुरू तो होने दो, तभी तो फोन बजेगा। अरे देखो देखो राशि टीवी पर आ गई। अरे राशि आ भी गई, देखो 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 राशि आ भी गई। ये है वो जाबाज धरती पुत्री राशि मोदी, जिन्हें 12 घंटों की कठिन कोशिशों के बाद बोरवेल के खड्डे से जीती जागती बाहर लाया जा सका। राजकोट में ऐसा हादसा पहली बार हुआ है, तो चलिए हम राशि मोदी और उनके परिवार से मिलने उनके घर मोदी निवास पर चलते हैं। मैं धरती पुत्री राशि मोदी की मम्मी उर्मिला बेन शाह। अरे मैं, अरे देखो मैं आ गई टीवी में। और ये कोकिला बेन पराग मोदी राशि की काकी सास। अरे वाह ये तो सच्ची में राशि टीवी पर आ गई। भले ही गड्ढे पे गिर गई और जान पे बनाई, लेकिन देखो तो टीवी पर हीरोइन बन के छा गई। ये काकी जी है कोकिला मोदी। को,
कोकिला जी, 12 घंटों के संघर्ष के बाद राशि को अब इस वक्त बाहर निकाला जा चुका है, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? लगता है राशि मोदी की काकी जी अब भी सदमे में हैं। जी नहीं, माफ कीजिएगा, मैं सदमे में नहीं हूँ, बल्कि इस हादसे की वजह से मैं बहुत ही क्रोधित हूँ। कान्हा जी की कृपा थी, मारी राशि बहु सकुशल आज मारे जोड़े बैसी छे। काकड़ी को तो पूरा ही काट दिया। काकी जी, वो न्यूज़ में ऐसे ही होता है। मेरे पास एक नहीं, ऐसी ही दो दो वहुए हैं, एक राशि अने बीजी गोपी। एक बहू को तो हमने देख ही लिया मौत से जूझते हुए, लेकिन अब देखिए मोदी परिवार की दूसरी बहू जिसने राशि मोदी को मौत से लड़ने की हिम्मत दी। ये गोपी है मेरी बहन, इसकी जेठानी। राशि मोदी की बहन और जेठानी, जिन्होंने अकेले ही राशि मोदी को कॉन्फिडेंस दिया और अकेले ही थेपले और अचार भी बनाए। राशि क्या जाती रही, दिख नहीं रही है। जी ये कच्चे कैरी के अचार जो मैं हर साल बनाती हूँ। हर साल तो ये बनाती ही है, लेकिन अब बताएंगी इसके बनाने की विधि क्या है। जी वो मैंने कुछ अलग तरीके से बनाने की कोशिश की है। पहले कच्चे आम के टुकड़ों को हल्दी नमक में मिलाकर धूप में सुखाया और इसके बाद गरम तेल में मसाला मिलाकर उसे ठंडा किया। उसके बाद वही कच्चे आम के टुकड़े उस मसाले और तेल में मिला दिए। ये तो बहुत आसान है, और हाँ हमें तो ये अचार गोपी मोदी के हाथ का बना हुआ बहुत पसंद आया। तो आइए अब हम देखते हैं अपनी धरती पुत्री राशि मोदी को थेपला कितना पसंद आया। गोपी मोदी का बनाया हुआ अचार जो राशि को बहुत पसंद आया, तो धरती पुत्री की पसंद ही हम सबकी पसंद है। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो जिगर। इन प्रचार प्रसार माध्यम वालों को तो ये दिखाना चाहिए कि इस तरह के खुले गड्ढों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, ताकि मासूमों की जान न जाए। पता नहीं ये लोग बात को कहां से कहां ले गए। अरे उर्मिला बहन, आपका मूड इतना खराब क्यों हो गया? अरे आपको तो खुश होना चाहिए, आपके परिवार के लोग टीवी पे आ रहे हैं। अरे हाँ, ये टीवी वाले जिस अचार की इतनी तारीफ कर रहे हैं उसकी विधि आपको आती है क्या? अरे बस बस, बोले ही जा रहे हो। हाँ कौन? कौन क्या कौन, मैं बोल रही हूँ। मम्मी आपने देखा टीवी पे क्या हुआ? तू पूछती है कि मैंने देखा? अरे मैंने क्या अक्खी चाल ने देखा कि क्या हुआ। हाँ तो बस में गलती किसकी है? आपकी। मेरी? हाँ हाँ आपकी, सिर्फ और सिर्फ आपकी। आपने ही कहा था ना गोपी से, जा वो मीडिया वालों के लिए नाश्ता लिया तो वो गई और वो स्टुपिड सा अचार लेकर आई। अरे गधेड़ी, वो तो मैंने इसलिए कहा था कि वो हमारे बीच से निकल जाए। अच्छा तो उससे क्या हुआ कि वो बीच में आई या वो बीच से चली गई? जो भी है, ऐसे लग रहा था जैसे वो पूरा का प्रोग्राम उस गवार के ऊपर है। जो दिख रहा, तू इतनी निराश ना हो, अब वो बद्दू ठीक करी देश। तेरी मम्मी कभी भी हार नहीं मानती, तुझे पता है ना। अरे हूँ तो पहला न्यूज वाले छोकरे को भी अभी के अभी बोलने वाली हूँ। इससे क्या फर्क पड़ेगा, जो होना था वो तो हो गया। मम्मी प्लीज सब छोड़ दो, न्यूज खत्म और आपका खेल भी खत्म। यहाँ बस मैं अकेली बेवकूफ थी। अरे पर ये भी कवार कैसे भी करके कांटे की तरह बीच में आ ही जाती है। कवार गई। राशि दिख रहा, कैसी तबीयत है आज तुम्हारी? कहीं शरीर में कोई दर्द नहीं हो रहा ना? नहीं मम्मी जी, मैं अब ठीक हूँ। राशि छोड़ो सारे काम, अभी भी तुम में बहुत कमजोरी है, खाओगी तभी तो ताकत आएगी ना। आ जाओ। जी हाँ जरूर, मैं करवाती हूँ बात। गोपी बहू, जिगना के सासे से फोन है, वो लोग आचार की विधि जानना चाहते हैं। माँ जी मैं क्या? गोपी बेटा, उन लोगों से बात तो करो।
हे कृष्ण भगवान, सुबह से इतने सारे फोन आ गए हैं, सभी को ये जानना है कि गोपी वह आचार कैसे बनाती है। मम्मी जी, आप जानती हैं, जब मैं उस खड्डे में गिरी थी, मुझे लगा था पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में आ गई। सुबह शाम वहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही लग रहा था और मैं तो डर के मारे। राशि, तुम इसके बारे में बिल्कुल सोचना बंद करो। बस ये सोचो कि एक बुरा सपना था और जो बीत गया। लो, 24वीं बार घंटी वागी छे। हेलो जी, हाँ ये राशि मोदी का ही घर है। एक मिनट राशि बेन, आपके लिए फोन। हेलो जी राशि मोदी, मैं ही हूँ। हाँ वो धरती पुत्री। हाँ वो यही है। एक मिनट गोपी, तेरे लिए। एक मिनट गोपी, वो क्षमा चाहती हूँ आपसे, पर कृपया करके आप थोड़ी देर बाद फोन कीजिए। गोपी वह फिलहाल गृह कार्य में व्यस्त है। इतने सारे फोन आ रहे हैं, ढंग से नाश्ता भी नहीं कर पा रहे पूरा परिवार। मॉम, आप शांत हो जाइए और नाश्ता कीजिए। नहीं अहम, नाक में दम करके रख दिया है। इतने सारे फोन, मैं तो जागते रहो वालों को फोन करके जरूर पूछूंगी कि हमारे घर का नंबर क्यों दिया उन लोगों ने। तो गोपी वह को बार बार फोन, उस पे बात करनी पड़ रही, राशि को भी तो आराम की जरूरत है। गोपी, जाने देना। अरे भाई, तुम लोगों को याद है ना कल रक्षाबंधन है? जी मोटा भाई, हम कैसे भूल सकते हैं कि कल रक्षाबंधन है। तो अहम और जिगर, कल आधा दिन अपने लिए फ्री रखना। जी का।